शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फ्लैट पर कब्जा जमाए महिला की सुपारी देकर हत्या की तैयारी का भंडाफोड़ किया है। आरोपी हथियारों समेत पूरी तरह प्लानिंग कर चुके थे। पुलिस ने एक महिला समेत चार को अरेस्ट किया है। पूरे मामले में फ्लैट की मालिक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, जिसका नाम तुमसर निवासी गणेश पर भी बताया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हनुमान नगर तुमसर निवासी भूपेंद्र मोहन गिल्लोरकर, नंदनवन निवासी राहुल संतोष हलमारे, सोमवारी क्वार्टर निवासी राजेश उर्फ राजा सुरेश कुंड और उसकी पत्नी पूजा बताई गई है, जबकि कांचीमेट वाड़ी निवासी दर्शन उर्फ खुशी अनिल ढकान की हत्या की जानी थी। मामला वाड़ी थाने में दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खुशी जिस फ्लैट में रहती है वह हाल ही में गणेश ने खरीदा था। खुशी काफी समय से यहाँ रह रही थी। कई बार बोलने के बाद भी वह फ्लैट खाली करने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में उसकी हत्या की प्लानिंग की गई। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि गणेश ने खुशी को मारने के लिए 4 लाख रुपए की सुपारी देने की तैयारी की थी। इन 4 लाख रुपए के लिए हत्या की बात पहले भूपेंद्र फिर राजा और उसकी पत्नी पूजा तक पहुंची थी। तैयारी इतनी पुख्ता थी कि आरोपियों ने खुशी के घर से 100 मीटर दूरी पर लोहे की रॉड तक छुपा दी थी। अकेले मिलते ही खुशी की इससे हत्या कर दी जाए। उधर खबरियों ने करीब 3 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच तक यह बात पहुँचा दी। तब से आरोपियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और उनके मोबाइल नंबर भी ट्रेसिंग पर रख दिए। हत्या की प्लानिंग की जानकारी पुख्ता होते ही क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले राजेश गुंड को पकड़ लिया। पूछताछ में राजेश ने राहुल का नाम लिया और कहा कि वह खुशी की हत्या के लिए 4 लाख रुपए मिलेंगे। राहुल को हिरासत में लेने पर उसने भूपेंद्र का नाम लेते हुए जानकारी दी कि गणेश खुशी की हत्या करवा कर अपना फ्लैट खाली करवाना चाहती थी। इसके लिए वह 4 लाख रुपए देने के लिए तैयार थी। भूपेंद्र ने कहा कि वह एक व्यक्ति को जानता है तो सुपारी लेकर हत्या कर सकता है। फिर बात राहुल और राजेश तक पहुंची। वहीं राजेश की पत्नी पूजा को भी इस बारे में सब कुछ पता था, इसलिए पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाया है। सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपियों ने गणेश को मुख्य सूत्रधार बताया है। वह तुमसर में पेशे से पत्रकार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उप कार्रवाई शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, अपर पुलिस आयुक्त सुनील फिलारी, क्राइम डीसीपी चिन्मय पंडित, डीसीपी लोहित मतानी के मार्गदर्शन में पीआई सुनील चौहान, एपीआई सुनीत परतेकी, एपीआई अनिल मेश्राम, एएसआई मुक्तिराम सेवले, वसंता चौरे, रफिक कुरसुंगे, सुशील श्रीवास, शरद सांबरे, हेमंत लुनारे, सुनीत गुजर, सुशांत नंदेश्वर, सुशांत सोलंकी, योगेश सिलूकर, दिगंबर धातोंडे आदि द्वारा पूरी की गई। यूनिट 4 ने अपनी गोपनीय माहिती के ऊपर 4 आरोपी को अटक किया है। जानकारी ऐसी थी कि 4 आरोपी एक महिला का जो वाड़ी में रहती है उसका मर्डर करने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, और ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए की जा रही थी कि उसमें राजेश बर्वे नाम का एक आरोपी है जो महिला जिस घर में रहती है उसको खाली करवाना चाहता था, वहां पर रहना चाहता था, और महिला वो घर खाली नहीं कर रही थी, इसलिए उसने भूपेंद्र गिल्लोकर से उसको मारने की साजिश करी, और उसके साथ में राहुल हलमारे, राजेश गुंड और पूजा गुंड ऐसे लोगों के साथ मिलकर उनको मारने की प्लानिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले ये लोग उसको मारने के लिए आए भी थे लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकली, इसलिए घटना को अंजाम नहीं दे पाए। ये जानकारी जब क्राइम ब्रांच को पता चली तो उन्होंने आरोपी को अटक किया और उनकी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स बरामद की, और फ़ोन रिकॉर्डिंग से पता चला कि जो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे उसके पुरावे भी मिले। उसके बाद आरोपी को अटक करने के बाद जब आरोपी से पूछताछ की तो उन्होंने इस प्रकार की प्लानिंग की सच्चाई भी पुलिस को बताई, इसलिए ये गुनाह दाखिल किया गया है कलम 120 ब IPC और 506 IPC में, और आगे की तपास चालू है। BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।